पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव आखमऊ नर्मदापुरम में किया गया। इनसे पहले भोपाल में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, शरद यादव ने हमेशा नैतिकता की राजनीति की। यादव का कल दिल्ली में निधन हो गया था। दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए शरद यादव की पार्थिव देह को राजभोज एयरपोर्ट भोपाल लाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिग्विजय सिंह ने जब नर्मदा परिक्रमा की थी उस समय शरद यादव भी उनकी परिक्रमा में शामिल हुए थे। शरद यादव का गुरुवार को 75 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शरद यादव ने हमेशा नैतिकता की राजनीति की। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले शरद भाई छात्र जीवन में ही राष्ट्र राजनीति में छा गए थे। वे जेपी के आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। वे जेल में रहते हुए चुनाव जीते, भारत की राजनीति पर छा गए। वे ऐसे नेता थे कि जो गलत होता था उसका विरोध करते थे। मेरे तो वो पड़ोसी थे, मेरे गांव नर्मदा के इस पार था, उनका गांव नर्मदा के उस पार। बचपन से प्रखर जुझारू और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले शरद भाई, आईबीसी नीचे करना थोड़ा, कैमरा नीचे कर ले। छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय राजनीति में छा गए थे। जेपी के आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे वो, और जेपी के उम्मीदवार के रूप में हलधर किसान चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले पहले अगर सांसद और नेता थे तो श्री शरद यादव थे। जेल में रहते हुए चुनाव जीते और बाद में वो भारत की राजनीति पे छा गए थे। 80 और 90 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली और मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। भोपाल से सड़क मार्ग के जरिए शरद यादव की पार्थिव देह आखमऊ के लिए रवाना हुई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने भी यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक पीसी शर्मा ने कहा, वे एकमात्र हिंदुस्तान के ऐसे नेता थे जो 3 राज्यों के नेता रहे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से सांसद बनकर आए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।